दोस्तों, सभी का मेरे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कानून की आवाज सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज बात करते हैं, अगर कोई लड़की किसी भी लड़के के खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़ आदि का मुकदमा कर देती है या आरोप लगा देती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में आप देखोगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए कि किस प्रकार से क्या कार्रवाई हो सकती है उस झूठे केस के खिलाफ। दोस्तों, अगर किसी लड़की ने किसी भी लड़के के ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार आदि के केस लगा देती है, आरोप लगा देती है और थाने में रिपोर्ट दे दी जाती है, तो उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? दोस्तों, अगर इस प्रकार के मामले अगर झूठे पाए जाते हैं तो पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर किसी लड़की ने, मान लो एक्स वाई जेड किसी के ऊपर छेड़छाड़, बलात्कार आदि का केस पुलिस थाने में दर्ज करा देती है, अगर वह केस झूठा पाया जाता है, तथ्यहीन पाया जाता है, कोई सबूत नहीं होता है, तो उसके खिलाफ पुलिस भी एक्शन ले सकती है। बिल्कुल ले सकती है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरण आज कल ज्यादा चल रहे हैं कि झूठे प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं। अगर पुलिस उस लड़की के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अगर उसने उस मुकदमे को झूठा दर्ज करा रहे हैं, अगर किस प्रकार से आप उस झूठा मुकदमा साबित कर सकते हो? आप उस दिन अगर लड़की ये बता रहे कि वो उस दिन वहां था, लेकिन जिस दिन अगर वो वहां नहीं था, तो आप वो एविडेंस लाके पेश कीजिए। इस प्रकार से लड़की अगर झूठा मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज करा देती है, तो दोस्तों पुलिस उसपे 182 की कार्रवाई कर सकती है। ये हर मुकदमे में होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल क्या हर व्यक्ति डरता है इस प्रकार के प्रकरणों से, इसलिए अब पुलिस भी सख्त हो गई है। अगर कोई भी लड़की बलात्कार और छेड़छाड़ उत्पीड़न का झूठा मुकदमा दर्ज कराती है, तो उस पर FIR भी लगा देती है और उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस प्रकार के प्रकरण आजकल ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए पुलिस अब सख्त रुख अपना सकती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों को रोकने के लिए पुलिस अब उनके खिलाफ, जिस लड़की ने झूठा मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ वह कार्रवाई कर सकती है, 182 की कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार अगर पुलिस करती है, तो आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो प्रकरण है झूठे, वो दर्ज नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपके खिलाफ, किसी के दोस्तों के खिलाफ ऐसा होता है, तो आप उसकी एविडेंस प्रूफ कीजिए, और अगर एविडेंस प्रूफ होने के बाद पुलिस उस मुकदमे में FIR पेश करेगी, वो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी FIR पेश करेगी, और उस लड़की के खिलाफ आप मानहानी का केस कर सकते हो और 182 की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।